दोस्तों अभी की एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां मलयालम फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता नैदु मोदी वेणु का निधन हो गया है। वे 73 साल के थे। तबीयत बिगड़ने के बाद इनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और सोमवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि हाल ही में वे कोरोना संक्रमण से उभरे थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। नैदु मोदी वेणु की तबीयत रविवार को बिगड़ी। उन्होंने बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाने के बाद तबीयत में सुधार न होने पर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सोमवार को उनका निधन हो गया, जिनके निधन पर मलयालम, तमिल, तेलुगु फिल्म जगत में बड़े बड़े लोगों ने गम का इजहार किया। नैदु मोदी वेणु ने पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की तरफ हाथ आजमाया था, इसके बाद वो थिएटर और फिल्मों की तरफ आए। नैदु मोदी वेणु ने 1978 में निर्देशक जी अरविंद की फिल्म थम्बू में मॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर तरह के रोल अदा किए। उनको अपने काम के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 राज्य फिल्म पुरस्कार मिले। आपको बता दें कि वेणु ने चौराहे नाम की अंग्रेजी फिल्म में भी काम किया था। दोस्तों नैदु मोदी वेणु की मौत पर आप क्या सोचते हैं, हमें इसके बारे में लिखकर जरूर भेजें, और ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।